सिद्धांत मैं अभी जब आ रहा था बहुत लंबा सफ़र है मेरे लिए तो मेरे ड्राइवर जो थे एक सदार जी हैं बहुत बड़े क्रिकेट फैन वो इस बात को लेकर बहुत खफ़ा थे कि अब एम एस धोनी इंडिया के लिए कभी नहीं खेलेंगे आप भी एम एस धोनी के फैन हैं आप भी तो घबरा नहीं रहे इस बात को लेकर घबरा तो रहे हैं लेकिन इससे पहले लोगों को बता दें ये है फाइव पॉइंट सेवन फाइव आउंसेज हमारा क्रिकेट शो और हम बात कर रहे हैं एम एस धोनी की जो कि बी सी सी आई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है आज हमारे साथ हैं निखिल नाज जो की ऑलरेडी इस बारे में एक घंटा कम से कम बात हाँ। कर चुके हैं और गौतम लवरखा जिनके साथ हम सुबह से बात कर रहे हैं इसी विषय पे वी विल बी टॉकिंग पेउट मिथाली डिमोशन हुआ है ए लिस्ट से बी लिस्ट पर और जनरली इस जो कॉन्ट्रैक्ट के पूरे सिनारियो से क्या मतलब हम डिसाइफर कर सकते हैं लार्जर जो बीसीआई का प्लान है जो इंटरेस्ट है कहा किस डायरेक्शन में जा रहा है uh, गौतम आपके पास कुछ सवाल हैं शायद के लिए या yeah, मेरे को जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है आज वो एम एस धोनी से ज्यादा मुझे मिथाली राज का जो डिमोशन हुआ है वो है। परेशान कर रही है निखिल इसके बारे में आप क्या जानते हैं मतलब कोई मापदंड होंगे जिसके तहत आप डिसाइड करते हैं कि है। किसे ए ग्रेड में रखा जाएगा किसे बी में उसके पास परफॉर्मेंस को देखने का भी कुछ होगा मतलब सिस्टम क्या है जिसके तहत ये डिसाइड किया जाता है मैं ज्यादा हैरान नहीं हूँ एक्चुअली जैसे एमएस धोनी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं, नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर मिताली राज कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन एक ग्रेड नीचे आगे है इसको लेकर भी ज्यादा हैरान नहीं हूँ क्योंकि वो टी से रिटायर हो चुकी है उन्होंने T20 एक फॉर्मेट है जिससे रिटायरमेंट ले लिए बेसिकली आप अगर मेंस क्रिकेट में भी देखें तो अगर आपको टॉप கிரேट कॉन्ट्रैक्ट में रहना है ए प्लस में रहना है और इस वक्त आप देख सकते हैं जो आ, तीन भारतीय खिलाड़ी हैं जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा और विराट कोहली वो तीन ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट में सर्टन हैं तो ये क्राइटेरिया टू बी इन द टॉप मोस्ट ब्रैकेट में आपको रहने के लिए अब मिताली राज क्योंकि एक फॉर्मेट नहीं खेल रही इसलिए वो बी में आ गई हैं जबकि जो तीन प्लेयर्स हैं हरमनप्रीत है वहां पर स्मृति मनाना है जो टॉप में है वो ऐसे तीनों प्लेयर हैं जो हर फॉर्मेट खेल रहे तो ये एक सिंपल एक फॉर्मूला है जिसके तहत ऐसा हुआ है इसमें वो नहीं देखते कि खिलाड़ी का आ, मतलब स्टैचर क्या है कितने दिग्गज खिलाड़ी वो नहीं देखा जाता क्योंकि अगर वो देखा जाए तो फिर शायद इस चीज को भी लेकर परेशान हो जाए कि झुलन गोस्वामी इज कंपेरेबल टू मिताली राज अ ग्रेट

कि किसी के आ, मानने से या बिलीव से या कौन किसका फैन है या या कौन किस 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 स्टेट से आता है किस, आ, किस हाँ, को हो। हो। है को रिप्रेजेंट करता रणजी में या किसी में किसी और वो सब ना हो इसलिए बिल्कुल और इसलिए मेंस क्रिकेट में भी ये जैसे मैंने आपको बताया तीनों फॉर्मेट खेलेंगे तो आप टॉप में आएंगे उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में कौन होगा उसके पीछे भी कुछ उन्होंने रूल लगाए अगर आपने तीन टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं पिछले कॉन्ट्रेक्चुअल जो पीरियड है एक साल का उसमें या फिर आपने आठ वनडे मैचेस खेले तो ये अगर दोनों चीजों में आपने कुछ कराए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा इन दैट पीरियड अगर नहीं करा तो आप चाहे कितने भी बड़े खिलाड़ी हो अभी हम एमएस धोनी के बारे में बात करेंगे हरभजन सिंह भी बहुत बड़े प्लेयर है वो आउट ऑफ फेवर है उनके बाद कई और स्पिनर गए वो गए तो अब हरभजन सिंह कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है सेम चीज एम एस धोनी के साथ है बट दैट बाई नोम इज एन इंडिकेशन की अब एम एस धोनी इंडिया के लिए नहीं खेल सकते हैं वो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही मैं आपको शुरू में कह रहा था आ, ड्राइवर के साथ आ, जो आ, चर्चा हो रही थी आ, बहुत ही उदास थे कि मैं एम एस धोनी को नहीं देखूंगा क्योंकि उनको लगता है और ज्यादातर फैंस को ये लगता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है मतलब यू आर आउट मतलब आप इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है नहीं। वो बिल्कुल सही नहीं नवदीप सैनी आप देखें अभी कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन ये पीरियड सेप्टेम्बर से शुरू हो रहा है उससे पहले आप उनको टीम में ला चुके थे क्योंकि ऑन इज परफॉर्मेंस अगर कोई अच्छा आपको दिखता है आप ले दिनेश कार्तिक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट हिज करियर इज ओवर ही कैन वेरी वेल कम बैक तो अंबटी राइडू अंबटी राइडू वही मैं कह रहा हूँ मतलब इट्स नॉट दैट कि उनका करियर खत्म हो गया वो उनके ऊपर डिपेंड करता है लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है मतलब तक डिपेंड करता है निखिल अम्बेटी राइडू के साथ जो हुआ हाँ वो बिल्कुल गलत हुआ अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक इंडिकेशन आपको जरूर देता है वो ये इंडिकेशन देता है कि आई यू इन द रडार और नॉट वो चीज यहां पर बड़ा मुद्दा है वो शायद साफ साफ हो गई है कि शायद एम एस धोनी अब आ, स्कीम ऑफ थिंग्स में, में नहीं, नहीं है और ये मतलब मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं एम एस के प्रसाद जो चेयरमैन ऑफ है कुछ समय पहले उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था हाँ। साफ तरीके से कह दिया था कि नहीं वी आर लुकिंग अहेड हम आगे देख रहे हैं तो उन्होंने कह दिया था लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कई बार होता है अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ ए बी डिविलियर्स वो सारे फॉर्मेट को छोड़ के रिटायर हो गए थे अब वो टी ट्वेंटी क्रिकेट खेल रहे हैं उन्होंने ये जाहिर किया है कि मैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ hmm. तो साउथ अफ्रीका बोर्ड ने क्या बोला आपको बिल्कुल अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है देन वी विल सेलेक्ट यू इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर प्लेयर बट बड़े है और उनको अगर लगता है उनका फॉर्म अच्छा चल रहा है क्लोज टू टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वो आ सकते हैं सो नेवर से नेवर बट एक इंडिकेशन जरूर है कि द इंडियन टीम इज लुकिंग अहेड एंड एम एस धोनी शायद अब उस मैच का हिस्सा नहीं है अगेन बिकॉज हम जैसे बात कर रहे थे कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आने ही वाला है कुछ महीनों में तो आपके हिसाब से क्या लगता है जो प्रीतपाल जो आपके ड्राइवर हैं उनका जो भय है या उनका जो अफसोस है हाँ। दोनों को पूछूंगा मैं ये कि क्या हम देखेंगे एम एस धोनी को इंडिया आई नो यूर सिंग मुमकिन है हाँ, हाँ। दरवाजा बंद नहीं हुआ exactly. है, लेकिन uh, क्या पॉसिबिलिटीज हाँ। क्या है मुझे आई like कट Uh, uh, उसके पीछे जैसे uh, अगर आप देखें एम एस धोनी की यूटिलिटी अब एज अ प्लेयर ये चीज सब जानते हैं एम एस धोनी के समय बड़े फैन भी जानते होंगे कि जो एक्सप्लोजिवनेस थी उनकी बैटिंग में पिछले कुछ समय में कम हुई है एंड ही इज़ नॉट द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री जिसके साथ ये हुआ है आप कोई भी ग्रेट उठा ले ओवर टाइम इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होती है हाँ लेकिन एम एस धोनी के पास जो है वो है एक्सपीरियंस जो शायद नए प्लेयर के लिए नहीं है तो वनडे में मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है लोग वर्ल्ड कप के दौरान भी कह रहे थे क्यों रखा हुआ है एम एस धोनी को वो एंड में रन नहीं बना पाते लेकिन हमने उनकी जरूरत देखी जब

इसके पहले कि आपको धक्के मार कर हाँ, निकाला जाए हाँ, हाँ, है ना वाई इज इट दैट दिस इज नॉट कॉट ऑन फेमस लाइन इज रिपल नॉट माई नॉटो उनका ये कहना था उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा वो सीरीज हुई पाकिस्तान के साथ इंडियन hmm. मुझे दो ही नाम याद आते हैं जिन्होंने तब रिटायर किया जब लोगों ने बोला अरे ऐसे क्यों करा एक सुनील गावस्कर और एक विजय मर्चेंट ने ऐसा किया था हंड्रेड एंड फिफ्टी मारे थे उनकी भी एक फिलोसफी थी कि यू शुड रिटायर वेन योर एट द टॉप अब इसमें Uh, बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती इसमें है इसमें कल्चर का इशू है आई थिंक यू नो ऑस्ट्रेलिया में क्या है टीम इज फर्स्ट इंडिविजुअल इज सेकेंड दे डोंट केयर आप कितने बड़े प्लेयर हों अगर टीम की आप जरूरत में फिट नहीं हो रहे तो आपको बाहर इंडिया में अगर आप ऐसा कभी भी डिसीजन ले किसी बड़े प्लेयर के खिलाफ इवन वेन इज एट इज प्राइम तो आपको पता है कितना हंगामा होता है hmm. मीडिया से होगा फैन से होगा पत्थर भी पड़े हैं कई बार एम एस धोनी को लेकर हो हाँ, सबके साथ तो दो... एक वो चीज फर्क आती है बहुत सारे हमारे प्लेयर्स एक और चीज़ है और ये सिर्फ क्रिकेट नहीं बाकी स्पोर्ट में भी देखें उनका इंटरेस्ट इज लिमिटेड टू तो क्रिकेट ऑल दे हैव डन इन देयर लाइफ इज क्रिकेट देर इज नो अदर इंटरेस्ट आउटसाइड द गेम तो दे कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ आउटसाइड यू नो और ये सिर्फ मैं एक दो बैडमिंटन प्लेयर्स लेजेंड प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी उनके कोचेस से चर्चा कर रहा था उनका कहना था कि इन्होंने सुबह से शाम क्या किया है सिर्फ ट्रेनिंग करी है बैडमिंटन करा है लंच करा है सो गए फिर, फिर खेला है फिर करा है जैसे ही वो छोड़ देंगे उनको समझ नहीं आएगा एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम सबके साथ है और लेजेंड्स की आपने बात की कपिल देव का अब से बड़ा शायद ऑलराउंडर नहीं हुआ उनसे बड़ा कप्तान नहीं हुआ एक टाइम आ गया था मैं एज ए टीनेजर मैच देखता था ईडन गार्डन्स में लोग उनके खिलाफ चांट लगाते थे कि आप रिटायर करें सो फैंस कैन बी अनफॉरगिविंग ये एक रीज़न है कि नहीं करते पर एम एस धोनी अलग है Uh, why I say that is because, uh, हर आदमी एक फेयरवेल चाहता है एम एस धोनी ने टेस्ट क्रिकेट कैसे छोड़ा अब पूरा आप वो सिनारियो देखे टेस्ट मैच हुआ टेस्ट मैच इन द मिडल ऑफ द सीरीज टेस्ट मैच होता है वो कप्तान है प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करते हैं मैच hmm. के बारे में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है चले जाते हैं मीडिया सब चली जाती है अपनी कॉपीफाई करती है सोचते दिन का काम खत्म है

उनका है रेडार वैसे ही कमर्शियल जो एंटिटीज हैं उनका भी एक रेडार होता है आप सचिन को देखें सचिन की जितने थे अंदर, जो बल्क है इनके इनकम का वो इंडोसमेंट के थ्रू आता है जो ब्रांड्स करते हैं और जैसे ही आप आ, इंडिया टीम के मतलब सेटअप से बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा विजिबिलिटी जो है काफी कम हो जाती है जो पैन इंडिया फैन बेस है आपका क्योंकि आप हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं और जीत रहे हैं और जिता रहे हैं कप्तान है जो भी है तो बिकॉज ऑफ दैट योर वैल्यू इन द मार्केट इज सब्सटैंशिय हायर एंड आई थिंक नो वन वॉन्ट्स टू शट दैट डोर फॉर तो जितना भी हो एंड आप ऑफ ऑफकोर्स यू मीन पीपल पीपल अराउंड अराउंड द द मार्केटिंग प्लेयर दे काउंट पीपल्टर उनको मैनेज करते हैं जो उनका धंधा देखते हैं hmm. क्योंकि आजकल प्लेयर्स के पास काफी कुछ इन्होंने अक्यूमुलेट किया है और ये इन्वेस्ट भी करते हैं अपनी कंपनियां शुरू करते हैं विराट कोहली को देख लीजिए धोनी के काफ़ी डाइवर्स कमर्शियल इंटरेस्ट हैं खुद के आ, तो तो जो लोग इनका जो पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं ये भी और, और, और इमेज हैंडल करते हैं ये लोग भी काफ़ी इनको एडवाइस करते हैं इस बारे में और जनरली रिलकटेंस होता है थोड़ा ना कि, कि आप इसको बंद ना करें एटलीस्ट जब तक कि आपने जो भी लेजेंड क्रिएट करना है वो क्रिएट फुल्ली ना हो गया वो mm. तो धोनी ही गेस में कोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एंड ऑल दैट आल्सो कम्स इन द अदर पॉइंट इज व्हाट आल्सो वॉटोल्टली अबाउट द फैक्ट दैट ये इन लोगों ने ज्यादातर कुछ और किया नहीं है mm. आप नॉट जस्ट जब आप इंडिया लेवल पे आ गए हैं बट आप दस ग्यारह बारह साल की उम्र से सिर्फ यही कर रहे हैं सिर्फ खेल रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं आप टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जो माहौल पूरा टीम का बन जाता है स्पेशली मैं कहूँगा टीम स्पोर्ट्स में ये ज्यादा होता है हुँ, हुँ, मैं काफ़ी हम आ, इंडिया फुटबॉलर्स के साथ आ, बात करते हैं खैर वो रिटायर करें ना करें किसी को कोई को, मार्केट को तो, को तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता एक्सेप्ट अगर आप एक नो तो पता भी नहीं चलता है लोग हैं जो 10-12 साल हिंदुस्तान के लिए खेले हैं जिनका नाम तक लोगों को मालूम नहीं है और रिटायर करें ना करें वो तो दूर की बात है बट जो पर्सनल इनका फीलिंग होता है एक तो और कुछ जानते भी नहीं है तो आप तीस पैंतीस चलो चालीस साल के भी हो गए आपका करियर तो खत्म नहीं मतलब आपकी वर्किंग लाइफ जो है वो तो खत्म नहीं हुई है आपको एटलीस्ट बिजी रहने के लिए अगले दस साल पंद्रह साल बीस साल और कुछ करना है जब आपने कुछ किया ही ना हो तो आप शुरुआत कहाँ करें ये एक दिक्कत होती है और एंड देन द रेस्ट इज़ अबाउट जस्ट द फैमिली एटमोसफेयर दैट अ क्लब बिकम्स कि आप शाम को प्रैक्टिस के बाद बिकॉज जो बहुत कम लोग हैं जो आपका लाइफ स्टाइल शेयर करते हैं जो समझते See, हैं yeah. कि आपका क्या यू yeah. नो you know, yeah. yeah. रहने का खेलने का खाने पीने का क्या आपका नज़रिया है क्या सीन है तो वो बाहर आ, लोगों के साथ कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है तो आदत सी पड़ जाती है और फैमिली के साथ आप कभी रहे नहीं हैं तो not necessarily everyone is a family person all these things also come into the picture I think In Dhoni's case, एक अगर आप चीज़ ध्यान दें ये सब क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि क्यों जनवरी तक उन्होंने पूछा गया था उनसे कि hmm. आप बताएँ तो उन्होंने एक इवेंट में नवंबर में कहा था जनवरी तक आप मत पूछना मेरे से कई लोग कह रहे हैं शायद इसीलिए कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं uh, उसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग है हालांकि धोनी की तरफ से कुछ बयान नहीं आया पर आप अगर दो तीन चीज़ें देखें एक चीज ये सामने आई है क्योंकि रविशास्त्री ने कई इंटरव्यूज में कहा था कि you know, hmm. uh, लग, uh, सौरभ गांगुली भी बोलते आ रहे हैं कि वी आर ऑन द सेम पेज ऐसी चर्चा है शायद कि टीम मैनेजमेंट ने एम एस धोनी से कहा हो कि आप रिटायर मत करें मेरे ख्याल से के जहन में यह बात पूरी तरह से तय हो गई थी कि ट्वेंटी लास्ट uh, थिंग hmm. उनका नेचर ऐसा है कि जैसे मैंने बताया उनको फेयरवेल नहीं चाहिए तो उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी पर उनके जहन में शायद उन्होंने मान लिया होगा कि ये लास्ट है हो सकता है टीम मैनेजमेंट ने उनसे बात करके रखा हो क्योंकि आप देखें अभी विकेट कीपर ट्राई हो रहा है no hmm. परफॉर्मेंस hmm. पे कुछ क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं आप थोड़ा कभी चांद संजू सैमसन को दे देते हैं अभी भरत को आपने सेलेक्ट आ है कई ऐसे आए दिनेश कार्तिक इज नॉट इन फेवर तो हो सकता है कि ये कॉन्वर्सेशन बिटवीन कैप्टन कोच और धोनी से हुई कि आप डो नॉट क्विट ऑन अस अभी थोड़ा ट्रांजिशनल फेज है mm -hmm. अगर हमें लगे कि नहीं कोई मिल पा रहा और अगर बड़ा टूर्नामेंट आ गया सडनली सो राकिंग एन अंडर कुक प्लेयर वी मे कॉल यू बिकॉज उनकी टैलेंट पे किसी को शक नहीं एक्सपीरियंस पे तो उनको

टॉप ब्रास लोगों को पता होगा बट बिकॉज द नेम इज सो बिग एंड बिकॉज इट नीड्स टू बी एंडल विद सच अ डेलिकेट सिचुएशन बिकॉज यहाँ पे भाई साहब अगर शो पे मैंने कभी बोल दिया है कि एम एस धोनी नहीं खेलने वाले इंडिया के लिए गोलियाँ चल जाती हैं सोशल मीडिया के उस यू अंडरस्टैंडिंग आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ इज दैट पोलराइजिंग फिगर नॉट इन अ बैड वे बट सो मच लव एंड सपोर्ट फॉर द मैन कि

टीवी पे बोलना और बिहाइंड क्लोज डो बोलना अलग होता है पर टीवी पर ऑफ मेंटेनिंग लॉर्डेनिंग आईपीएल अच्छा गया देन डोंट बी सरप्राइज दैट इज बैक फॉर द दी ट्वेंटी जो उनके सक्सेस हैं ऋषभ पंत हो गए संजू सैमसन हो गए नॉट इन फीचर कॉन्ट्रैक्ट तो नॉट फीचरिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट एज इज अ अंप्लीटली डिफरेंट थिंग

So I think they still kept the door open, and don't be surprised because uh, historically, if you've seen MS Dhoni, irrespective of the age or what he might be slowing down on international level, in the IPL he does really well. Whether it be individually with the bat, whether it be behind the stumps, or whether it be calling the shots as a captain, and, you know, moving his team around. Yeah. So don't be surprised. I, I think I think it would be foolish to say that the door is shut on him. Or yeah. or he. इस ये जो आप कह रहे हैं जो धोनी के जो मल्टीपल रोल्स हैं टीम में उसमें आप ये भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं उनका जो ड्रेसिंग रूम में जो इन्फ्लुएंस है जो यंग प्लेयर्स पे इन्फ्लुएंस है जो जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेटअप जो वो सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस लेके आते हैं ड्रेसिंग uh, रूम में उसको भी हम सॉर्ट ऑफ बिकॉज इट्स नॉट आई सपोज क्वान्टिफाइबल रन विकेट्स कैचेज मैच क्वान्टिफाई नहीं तो कर सकते तो वो, वो फेज में था ट्रांजेक्शन फेज में था आई थिंक कभी ना कभी तो आपको वो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना आई डों कम बैक ऑन आई थिंक इज गॉन की यू हैव एम एस धोनी बिहाइंड स्टम्स एंड्स विराट कोहली अलॉट आई थिंक दैट फेज इज गॉन नाउ 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 दौनली रीजन ही कैन गेट बैक ऑन द टीम इज से ऋषभ पंत इज नॉट यू नो हीज नॉट गिविंग कॉन्फिडेंस टू दिलेक्टर्स बिकॉज एट द एंड डे आपको अपनी बेस्ट टीम चाहिए वहाँ पे इप इज नॉट गिवन कॉन्फिडेंस एंड एम एस अ वेरी गुड आई पी एल देन आई वो बी सरप्राइज इफ दे गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड एंड से लुक डू वी सेवन टू कॉल बैक फॉर दिस बिकॉज वी मी आई सी सी इवेंट्स इलेवन भाई आई सी सी इवेंट जीते नहीं हैं हम हम सेमी फाइनलों में हार रहे हैं सो दिस इज ऑन टॉप ऑफ दर एजेंडा टू विन दैट ट्रॉफी एंड धोनी एट दैट टाइम दे फील इज डूइंग बेटर देन ऋषभ पंथ then if i am a selector why would i say no don't bring him because he's still one of the best guys behind the stumps he's still a good finisher as he so i think the only reason why they did not want him in the team or at least whatever the reason you've not seen him in the team is because you're helping them uh, create a transition phase where you're putting your faith in a young boy you've identified he is him time though टाइम देना पड़ता है ना आपको ये एक सीरीज दो सीरीज की बात नहीं है आपको छह आठ महीने देने पड़ते हैं उसको देखना पड़ता है उस लड़की को बिकॉज ही इज फिलिंग शूज ऑफ एन लेजेंड तो उसको टाइम जब तक दोगे नहीं वो शायद वो अपने ही माइट नॉट कम इन टू इज ओन बट इवन उस टाइम के बाद फिर दैट प्लेयर इज नॉट गिविंग यू कॉन्फिडेंस देन आई सी नो रीजन वाई डोंट कॉल एम बैक I still would imagine that आप एक साल और दे सकते थे उन्हें और रख सकते थे सेटअप में सो दैट यू नो इट्स नॉट आल्सो गिविंग द इम्प्रेशन टू एनीवन दैट आइदर द इज शर्ट और वॉटर दैट इज़ एंड देन यू कैन यूज़ हिम इन वट आई एम श्योर धोनी काफ़ी मतलब मानने के लिए तैयार होंगे इस बात को कि अगर वो खेले भी ना तब भी uh, टीम के साथ रहें टीम को हेल्प करें और इस ट्रांजिशन फेज़ में उनका होना भी तो मेरे हिसाब से शायद थोड़ा uh,

आज अगर मैंने अच्छी कीपिंग नहीं करी तो बंदा बैठा जी। तो भा, 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 भा तो तो भाई वही वही पॉइंट है नहीं ही तो आप नहीं, उस, तो उसको नहीं दे ना, नहीं, नहीं, आप प्रेशर लेने के आदि होना पड़ेगा आपको और देर आई थिंक नो बेटर देन दिस काइंड ऑफ कंपटीशन वेयर ऑन द वन हैंड आपको पता है कि धोनी नहीं खेल रहा है ज्यादा वो तो इतना परफॉर्मेंस बेस्ड प्रेशर नहीं है बट एट द सेम टाइम इवेंचुअली आपको वो लाइक यू आर सेइंग बिग शूज़ टू फिल राइट सो आपको अपनी परफॉर्मेंस उसी ले, उस लेवल पे शायद आप ना पहुंच पाए बट उसके आसपास कहीं लाना पड़ेगा अपने आप को आपने ना तो आई डोंट नो आई सपोज़ कुछ भी हो सकता है आइदर आप ये मुझे बताओ आपने भारतीय टीम सेलेक्ट कर ली जी हां उसमें महेंद्र सिंह धोनी प्लेइंग में, ने पीला पे के में वहाँ पे आ, जो स्टाइल तो रहा है जैसा उनके करियर के थ्रू हम देखते आ रहे आई थिंक पर्सनली धोनी को इस बात से कोई दिक्कत होगी और अगर धोनी को ही नहीं दिक्कत है तो चाहे फैंस जो भी बोले वो खुद ही आके uh, मतलब कॉन्वर्सेशन बंद कर देंगे कहेंगे कि मेरा रोल ये है अब टीम के साथ कि मैंने अपने जो मेरे जो जो यंगर नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर्स आ रहे हैं उनको प्रेरित करना है उनको बढ़ावा देना है उनको हौसला देना है उनको सपोर्ट देना है ये मेरा नया रोल है एंड फैंस शुड एक्सेप्टेड जस्ट एज आई हैव एक्सेप्टेड इट आई आई मीन अगेन दिस इज ऑल ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल आई एम नॉट और yeah. तो भाई फिर आप संजू सैमसन का सोचो ना फिर देन समन लाइक संजू सैमसन जो आप कह रहे हो हु इज इन हिज बेस्ट इयर्स राइट नाउ एंड ही इज स्टिल ग्रोइंग बट ही इज ऑफ कोर्स रीचिंग हिज प्राइम ही इज बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर अ व्हाइल नाउ सो नाउ इज द टाइम टू रियली कैश इन आप उस लड़के को यू विल नॉट बी एबल टू गिव हिम अ लुक इनटू द टीम आल्सो देन ही वोंट बी इन द टीम एनवायरनमेंट ओनली देन यू

ओके okay देन इस इमोशनल नोट पे आपको जाने देते हैं क्योंकि आपको और भी काम करना है और हमारी चर्चा जारी रहेगी स्टूडियो में प्लीज़ देखिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा ठीक है तो टीममेट हो या अर्जुन पंडित हो किसी को ऐसा लगता है कि पता नहीं या इनफैक्ट धोनी के जो सबसे करीबी लोग हैं उनकी फैमिली को तक नहीं पता है सिर्फ एम एस धोनी को पता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और नेक्स्ट वो क्या करने वाले हैं लेकिन ऐसा है कि एक ट्विटर पे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका एक ट्वीट आया है और अब हम जा रहे हैं थोड़ा कंस्पिरेसी थ्योरी वाले लोगों के <laughs> हाँ, उन्होंने कहा है कि देयर इज अ लार्जर स्टोरी लार्जर कंस्पिरेसी बिहाइंड दिस कि क्यों उनको सेंट्रल कांटेक्ट नहीं दिया गया हुँ. आपके पास आते हैं कि बात क्या है क्या कह रहे हैं ये hmm. <laughs> पहले आप आपको क्या लगता है बिकॉज़ he इज द मोर पॉलिटिकली एसेंशियली ट्वीट में में क्या लिखा है हाँ ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि झारखंड में जब चुनाव हो रहे थे तब भाजपा ने धोनी को अप्रोच किया कि प्लीज आप हमारे लिए आके या तो कैंपेन कीजिए या खड़े होइए। तो उन्होंने मना कर दिया इस बात से और चूंकि बीसीसीआई को जो चलाने वाले हैं आज वो सत्ता से काफी क्लोज हैं इसी कारण कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है धोनी को देखिए ये इतना तो सही है कि बीसीसीआई में जो तब्दीलियां हुई हैं वो जाहिर है साफ संकेत करते हैं कि अगर अमित शाह के बेटे आज जैन शाह उसके नंबर टू हैं और आ, हमारे गृह मंत्री राज्य मंत्री के छोटे भाई नंबर थ्री हैं बीसीसीआई के रैंकिंग में आफ्टर गांगुली तो इतना तो जाहिर है कि जब सत्ता बदलती है दिल्ली में तो उसका प्रभाव बीसीसीआई के बीसीसीआई पर भी पड़ा और आज भाजपा कंट्रोल कर रही है बीसीसीआई को इज द रिचेस्ट क्लब प्राइवेट क्लब दैट दे तो uh, हो सकता है लेकिन ये इसलिए गले से नहीं उतर रही है क्योंकि धोनी ने अगर वो रिटायर हो जाते तब तो ये बात जो इन्होंने कही है इसका कुछ तुक भी होता कुछ मायने भी होता लेकिन जब रिटायर किया नहीं है अभी भी जैसा हमको आप खुद ने सिद्धांत ने बताया है कि बगैर अला, उनके अलावा किसी को पता नहीं क्योंकि दिमाग में क्या है तो इस स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि किसी कोई उनको प्रचार के लिए बुलाए या भाजपा का कैबिनेट काड़, मतलब कैंडिडेट बनाने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया इसलिए वो ले लिया हो ये कुछ गले से उतरती नहीं है रिटायर हो जाते उसके बाद बात अलग होती है लेकिन जब रिटायर हुए ही नहीं है तब ये क्यों बात because he doesn't become a candidate at a, as a playing uh, as a uh, as a person who's serving the country so, while playing yeah. for the country yeah. he will not be allowed to campaign he is also or serving the country in uniform well <laughs> there are many as people say you know that you can still serve by doing nothing yeah. just wearing a uniform absolutely मैं भी सहमत हूँ जो गौतम कह रहे हैं कि इस बात में दोहरा नहीं या अगर ये स्पेक्यूलेटिव भी है तो सरप्राइज नहीं होंगे कि, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एम एस धोनी जैसे नाम को अप्रोच किया वो तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो अप्रोच करती हैं हो सकता है कराओ एम एस धोनी ने ये डिसाइड किया कि वो नहीं खड़े होंगे ना कैंपेन करेंगे ये मुझे लगता है बहुत सराहनीय बात है एज अ स्पोर्ट्स स्टार जैसे हमने आपको याद हो गांगुली के बारे में भी चर्चा करी थी तो यही मानना था ज्यादातर स्पोर्ट्स फैन का कि अगर आप एक स्पोर्टिंग आइकॉन हो तो आप किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा आई एम श्योर एम एस धोनी के फैंस भी चाहते होंगे ना जुड़े उन्होंने वो डिसाइड किया लेकिन ये कहना कि और ये भी से भी सहमत हो कि हाँ भाजपा का साया है बीसीसीआई पे लेकिन यह कहना कि उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला क्योंकि वो खड़े नहीं वो थोड़ा एक कहते हैं ना बहुत अच्छी कहानी फिल्म आ, उन्होंने चुनी है और लिखी है उनके पास समय काफी होगा इस कहानी को सोचने के लिए तो उन्होंने एक कहानी लिखी वो मुझे नहीं लगता मुमकिन है कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए नहीं क्योंकि वो खेल नहीं रहे थे लोग कहते हैं वैसे आप अभी रिटायरमेंट के बारे में बात करें ज्यादातर क्रिकेट के जो गलियारों में बहुत चर्चा होती है कि फ्यूचर सीएम बनेंगे धोनी पॉलिटिक्स में जरूर आएंगे ये वो पर फिर मुझे लगता है हाँ, ये बात तो हमारे सौरभ गांगुली जी के बारे में भी कहा जा रहा है मुझे नहीं लगता कि एम एस धोनी भी एक बात एक, एक बात यूनिवर्सल हाँ, है हाँ, हाँ, कोई आए <laughs> पॉलिटिक्स में ना आए लेकिन इनकी कुर्सी सीएम तक ही सीमित है पीएम कोई नहीं हाँ, बनेगा लेकिन इसमें एक बार और मैं जोड़ना चाहूँगा एक बार और जोड़ना चाहूँगा देखिए ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को भी हक है कि अपने खेलने के बाद वो हाँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हाँ, लेकिन जो लोकप्रिय बन जाते हैं जैसे सुनील गावस्कर हाँ, सचिन तेंदुलकर सौरव गांगुली एम एस धोनी विराट कोहली जो कि दे इंजॉय डिफरेंट डिग्री ऑफ एडुलेशन उनके लिए पार्टी पॉलिटिक्स में कोई साइड लेना मुझे लगता है कि उनके लिए हानिकारक होगा क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी आज अगर सौरभ गांगुली सोचते हैं कि वो भाजपा ज्वाइन कर ले और उनके फैंस बने रहेंगे तो मेरा जैसा तो नहीं रहेगा बहुत लोग हाँ मतलब लो हमारा तो मोह भांग हो जाएगा हाँ तो एग्जैक्टली तो दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स बट इसीलिए बड़ा मुश्किल मुझे लगता है कि धोनी भी पॉपुलर जितना धोनी को मैं समझ पाया उतने साल में उनको कर... मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिक्स uh, का रुख करेंगे uh, वो अगर आप क्रिकेट करियर में देखें इंसान है ज्यादा लोग उनसे ना बात कर सकते हैं ना मिल सकते हैं और पॉलिटिक्स में आप वैसा रह नहीं सकते बी आउट देयर ऑल द टाइम ही अ पर्सन लाइक दैट आई डोंट थिंक सो बट जैसे आपने कहा कई बार कोई आ, खिलाड़ी खड़े होते हैं पॉपुलर भी देश बदलने के लिए इमरान खान का एग्जाम्पल नवजोत सिद्धू है तो ऐसे कई हैं बट फिर भी एम एस धोनी का कैरेक्टर को देखते हुए मुझे नहीं लगता वो पब्लिक लाइफ में इतना दिखेंगे आपको अगर वो क्रिकेट छोड़ देंगे आईपीएल छोड़ देंगे कम आपको देखने को मिलेंगे वो ज्यादा नजर नहीं आएंगे Right. Fair enough. Then if nothing else to add, इसी पे हम बात खत्म करते हैं आज के लिए क्योंकि काफी मुद्दे आए हैं लेकिन इसमें से तो देखते रहिएगा 5.75 पॉइंट आउंसेज बिकॉज बहुत कुछ है भारतीय क्रिकेट में जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और करते रहेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे गुड बाय